हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी और राखी की मजेदार रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आम पन्ना की रेसिपी, जो बहुत ही मजेदार होती है और यह हमें लू से भी बचाती है। पर मैं एक इंस्टेंट लू से बचने का उपाय आपको इसी रेसिपी में बताऊंगी, जो बहुत ही जल्द आपको लू से बचाएगा। जैसे आप धूप से आते हो तो आप तुरंत उसको इस्तेमाल करोगे तो आपको फायदा महसूस होगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कच्चे आम को धोकर ले लेंगे और उसके बाद हम इसे गैस पर ही पकाएंगे। तो पहले हम गैस के चूल्हे को जला लेते हैं और उस पर जाली रखेंगे और आंच को सिम पे करेंगे और उस पर हम धुले हुए कच्चे आम को रख करके इसे कुछ देर एक साइड पकने देंगे। फिर हम इसे पलटेंगे। तो जब यह थोड़े थोड़े पक जाए तो हम इसे पलट लेंगे और इसी तरह से हम उलट पुलट कर इसे चारों ओर से अच्छी तरह से पका लेंगे और इसे निकाल करके हम ठंडे पानी में डालेंगे जिससे जल्दी से ठंडे हो जाए। और फिर इसे हम छील करके इसका सारा गूदा अलग कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसे हम इस तरह से इसे निचोड़ लेंगे और इसका गूदा अलग कर लेंगे और इसके छिलके में भी जो गूदा लगा हुआ रह गया है उसे भी हम अलग कर लेंगे। अब इसके छिलके को हम क्या करेंगे ना कि इसको फेंकने से पहले, जैसे कोई धूप से आता है ना तो उसके तलवों पे हम इसे रगड़ सकते हैं तो यह पैर में ठंडक पहुंचाता है और लू के प्रभाव को कम करता है। तो इसे हम तलवों में रगड़ लेंगे, इससे आपको तुरंत ही फायदा महसूस होगा, आपको लू के प्रभाव से राहत महसूस होगी। यह एक ट्रिक है, इसे आप आजमा कर जरूर से ट्राई कर सकते हो। तो मैं इस छिलके को साइड में रख लेती हूँ। तो अब मैं इसी तरह से सारे आम को छील करके उसका गूदा और उसके छिलके को अलग कर लूंगी और इसे हम साइड में रखेंगे। और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे धुले हुए पुदीना के पत्तियां। अब इसमें हम जरा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पीस कर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यह देखिए, मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 गिलास पानी और अब हम इसमें ऐड करेंगे यह आम का निकाला हुआ गूदा और यह पुदीना वाला पेस्ट। तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम या ज्यादा, आपको जितना अच्छा लगता हो आप अपने हिसाब से ऐड करना। मैंने पूरा ही ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी भुने हुए जीरा और अजवाइन का पाउडर। तो मैं इसमें आवश्यकता अनुसार ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच काला नमक ऐड करूंगी और इसे मिक्स करने के बाद इसे टेस्ट करूंगी और फिर इसमें जरूरत के हिसाब से सादा नमक ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जरा सा नींबू का रस, इससे इसका स्वाद और भी दुगुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लाइट चली गई हुई है तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया हुआ है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही टेस्टी आम पन्ना की रेसिपी होती है। तो अब मैं इसे सर्व करूंगी। तो मैं इतने बड़े 3 गिलास में इसे ऐड की हूँ। अब मैं इसे स्ट्रॉ और कच्चे आम के स्लाइस के साथ गार्निश करूंगी और इसे सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।